आज से अपन क्या स्टार्ट करते हैं? चिंता मत करो, नए बच्चे जो आए हैं कुछ छोटा नहीं है, कोई कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो बहुत सिंपल से शब्दों में मैं अगर समझाऊं तुमको, 2³ = 8 है ना। तीन चीज़ें हैं, तीन नंबर लिखे हुए हैं, 2, 3 और 8 अलग अलग जगह लिखे हुए हैं, ठीक है। जो 2 ऐसे नीचे लिखते हैं इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। 2 की पावर में कुछ ले जाते हैं, हाँ उसको पावर बोल दो, उसको एक्सपोनेंट बोल दो, या उसको इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेक्स, ठीक है ना। पावर भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं। और किसी बेस की कुछ पावर चढ़ाते हैं तो जो वैल्यू आती है उसको नंबर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। तो बेसिकली कितनी चीज़ें हैं टोटल? 3 चीज़ें हैं ना, बेस है, पावर है, और बेस की पावर चढ़ाने पे सॉल्व करके जो भी वैल्यू आ रही है, 2³ का मतलब 2 × 2 × 2 हो गया, 3 बार 2 मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। रेडिकल किसको कहते हैं? है सर, रेडिकल किसको कहते हैं? इस वाले साइन को, ये जो nth वाला साइन होता है इसको रेडिकल कहते हैं, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ तब मत बोलो, बाद में बोलना, जब मैं चुप हो जाऊँ उसके बाद पूछा करो, बीच में नहीं टोका करो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 चीज़ें हैं। और वैसे तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, फेसबुक चला लेते हैं, व्हाट्सएप चला लेते हैं, पर गूगल पे रेडिकल सर्च नहीं कर सकते, क्या होता है ना। कर लिया करो, गूगल सब गूगल देता है, सब बताएगा वो, है ना। छोटी छोटी चीज़ें, बेकार की चीज़ें नहीं। तो रेडिकल ही होता है वैसे nth। और यहाँ n भी क्या होता है? अब इतना पूछा तो पूरा ही सुन ले, n क्या होता है? नंबर ऑफ n, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब क्यूब रूट ऑफ 2 लिखा है तो 3 टर्म्स हो गई। ऐसे n क्या होता है? नंबर ऑफ पावर, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। n जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, और वो भी 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। नेचुरल नंबर वैसे 1 से शुरुआत होती है, पर वो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट 2 होता है। अब स्क्वायर रूट में n बाय डिफॉल्ट 2 होता है, लिखते नहीं है 2 को, क्यूब रूट से लिखना शुरू करते हैं, 3, 4, 5। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? अच्छा, जैसे ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर 1/4, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 4th root of 2 लिख सकता हूँ। वो रेडिकल साइन में बनाना है, अगर रेडिकल में कन्वर्ट करना है तो ऐसे करा जा सकता है। अच्छा, ऐसे लिखा है 2 की पावर 2/3, तो 2 की पावर 2/3 ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 3/2 root of 2 ही नहीं लिख सकते। नहीं, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि डेफिनेशन ही नहीं है। डेफिनेशन ये कहती है कि यहाँ पर जो n है वो कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर नहीं है, 3/2 थोड़ी नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अब इसको क्या करोगे आप? इसको 2² करोगे, और 2² की पावर 1/3 करोगे। आई होप इंडाइसिस की प्रॉपर्टीज याद है, थोड़ी बहुत आपको याद है। तुमने भटका दिया वैसे, पर चलो कोई बात नहीं। a की पावर m * a की पावर n क्या होता है? पक्का? बेस अगर सेम होता है और मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो पावर्स जुड़ जाती हैं। ए की पावर एम प्लस एन होता है, अगर ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन होता है तो वेरी गुड, एम माइनस एन होता है। और अगर ए की पावर एम की पावर एन है तो एम इंटू एन भी लिख सकता हूँ, या ऐसे ए रेस पावर एन रेस टू द पावर एम भी लिख सकता हूँ, बदल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही उसी का यूज़ कर रहा हूँ ना यहाँ पे। 2 की पावर क्या लिखा है? 2/3। तो क्या मैं इसको 2² की पावर 1/3 लिख सकता हूँ? 2² कितना हो गया? 4 हो गया। तो क्या इसको मैं √4 लिख सकता हूँ? ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। अगर रेडिकल साइन में बनाना है तो n का नेचुरल नंबर 2 से बड़ा होना जरूरी है, ये सब नहीं लिख सकते, 3/2 4/3। समझ में आ रहा हूँ क्या कह रहा हूँ? ठीक है ना, तो ये रेडिकल्स होते हैं। हाँ, तो मैं, हम दोबारा जो पढ़ रहे हैं उस मुद्दे की बात पर आते हैं। हाँ, मैंने एक एग्जांपल लिया था, 2³ = 8, 3 नंबर थे, 2 का क्यूब 8, 2 बेस था, 3 पावर थी, और 8 2 की पावर चढ़ाने पर जो नंबर आया उसको नंबर बोल दिया, 8 नंबर। अब मैं क्या कर रहा हूँ? ए छुपा रहा हूँ, ऊपर 3 दे रहा हूँ और यहाँ 8 लिख रहा हूँ। 3 में से एक नंबर छुपा लिया, 2 दे दिए, अरे 3 नंबर थे, 3 में से मैंने एक छुपा लिया मतलब नहीं दिया, वैल्यू नहीं दी, और मैंने बोला ए की वैल्यू निकालनी है। निकाल सकता हूँ क्या ए की वैल्यू? कैसे लिखते हैं इसको? ए इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? 8 की पावर 1/3। ऐसे होगा ना, दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो वो क्यूब पावर क्यूब रूट में बदल जाएगी। और क्या इसको क्यूब में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, इसको 2³ लिखूंगा और पावर में 1/3 लिखूंगा, तो कट जाएगा क्या ये? वो इस वाली प्रॉपर्टी से ना, इंडाइसेंस वाली, ये कट जाएगा। तो आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। अरे वाह, मजे आ गए, ए तो हम लिख पा रहे थे, ठीक। अब 2 दिया, क्यूब दिया और नंबर n को छुपा लिया। अभी जस्ट ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, बेस दे दी,
पावर दे दी और नंबर को छुपा लिया, ठीक है ना। तो क्या नंबर निकाला जा सकता है? बिल्कुल। 2 क्यूब का क्या मतलब है? 2 × 2 × 2 तीन बार मल्टीप्लाई करना है, कर दिया मल्टीप्लाई, एंड कितना आ गया? 8। अच्छा, तीसरे वाले में 2 दे दिया, पावर छुपा ली और x दे दी, 8 नंबर दे दिया, 2 की पावर x बराबर 8, ठीक है ना। अब मेरे से पूछा x निकालना है, x निकाल सकते हैं? Yes, कैसे? इधर बेस कितना है? 2। तो क्या 8 को 2 की बेस में लिख सकता हूँ? आई कैन राइट 8 ऑन बेस 2। कैसे लिख सकता हूँ 2? कैसे लिख सकता हूँ? 2 क्यूब लिख सकता हूँ। क्या बेस सेम हो गया? अब अगर ये दोनों इक्वालिटी है तो बेस सेम हो गया, तो क्या पावर्स भी सेम हो जानी चाहिए? तो पावर सेम होने के लिए एक्स कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, तीनों चीजें हो गई। अब मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आज जैसे मान लो 2 की पावर एक्स बराबर 7 दे, 2 raised to the power x = 7। अब x निकाल दो, अब करो, यहाँ तो कूद कूद के सारे सॉल्व हो गए, अब करो सॉल्व। भाई अपने को दिक्कत हो रही है तो पुराने लोगों को तो बहुत दिक्कत हुई होगी कि 2 की पावर x जब पहली बार ऐसी चीज किसी के सामने आई तो क्या मैं x निकाल सकता था? ऐसे नहीं कि हाँ सर निकाल सकते, ऐसे नहीं। जनरल सोचो, जो पढ़ा नहीं है उसे सोचो। भाई तब निकालूंगा जब 7 को 2 की बेस पे लिखूंगा। अरे यार 8 को 2 की बेस पे लिखा था ना, तो 7 भी 2 की बेस पे लिखना पड़ेगा, पर लिख ही नहीं सकते ना। अबे 2 की पावर में कहाँ आता है 7? मुझे क्या पता, कभी होता होगा पर किस वैल्यू पर होता है आई डोंट नो। भाई यहाँ तो 2³ होता था, 2 की क्या पावर चढ़ाऊँ कि 7 आ जाए, कद्दू, मुझे क्या पता। अरे ऐसे नहीं। तो जब इस टाइप की सिचुएशंस में अटक गए, तो ऐसी सिचुएशन से निजात पाने के लिए एक नया चैप्टर, एक नया सिंबल बना दिया, और उस सिंबल का क्या नाम दिया? लॉग। हमसे बोला गया कि यार यहाँ x लिखना है, x मतलब पावर निकालनी है, तो जो पावर होगी आपको 7 लिखना था, 7 को किस बेस पे लिखना था? 2 बेस पर, तो लॉग लिख के और बेस 2 कर दे, ये लॉग के नीचे बेस लिखा जाता है, ठीक है ना। बस एक सिंबल है, एक नोटेशन है लॉग, क्या दिखाने के लिए कि अगर कभी मैं ऐसे बेस नहीं बना पा रहा हूँ तो 7 को मुझे किस बेस पे बनाना था? 2 बेस पे। तो अगर 7 को 2 बेस पे लिखना है तो उसको लिखने के लिए किस सिंबल का यूज करना होगा? लॉग का, लॉग 7 बेस 2। ऐसे पढ़ते हैं इसको, कैसे पढ़ते हैं? पावर किसके बराबर है? 7 नंबर था और बेस कितना था? 2। लॉग ऑफ 7 टू द बेस 2। समझ में आया? व्हेन वी आर नॉट एबल टू राइट एक्सपोनेंट, जब हम एक्सपोनेंट को किसी डिजायर्ड बेस पे नहीं लिख पा रहे हैं तो उसको लिखने के लिए लॉग बनाया गया, ठीक है ना। मोटे मोटे शब्दों में इतनी चीज़ें, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, यही डेफिनेशन है लॉग। समझ में आ गया? जस्ट यू कैन नोट इट डाउन ताकि मैं डेफिनेशन लिखवा सकूँ। अच्छा, अब होता क्या है, आज पावर दे दूँ, मान लो 2 की पावर 3/2 दे दिया, तो मैं तो इसको तो लिख ही सकता हूँ ना। 2 की पावर 3/2 को कैसे लिख सकता हूँ? 2³ की पावर 1/2। लिखने का तो तरीका है ही ना इसको, क्या मैं इसको √8 बना सकता था? तो √8 तो नंबर हो गया पूरा। तो अगर मैं बेस और पावर दे दूं तो नंबर तो हमेशा निकल जाएगा, ठीक है ना। पर दिक्कत पावर की होती है, हर बार पावर नहीं निकल सकता था इसलिए उसको लॉग बनाया। तो इसकी अपन अब डेफिनेशन का काम कर सकते हैं। हम ऐसे लिखते हैं, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो लिखा है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें भी बेस और पावर आता है उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एन कैन बी एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज एन इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एक्स, ठीक है। जहाँ ए क्या कहलाता है वो मैं वैसे लिख चुका हूँ, फिर भी लिख देता हूँ, ए इज कॉल्ड बेस, एक्स इज कॉल्ड एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स पावर और इंडेक्स, ठीक है। ये जरूरी है, यहाँ पर ऐसे कॉमा मार के ऐसे करके लिख लो, ए हैज़ टू बी पॉजिटिव। बेस क्या होना जरूरी है? पॉजिटिव होना जरूरी, ये डेफिनेशन है, ये मस्ट कंडीशन है लॉग के डिफाइन होने के लिए। लॉग डिफाइन तब होगा जब ए कैसा होगा, ए कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो। एन क्या है? एन तो पॉजिटिव रियल नंबर है ही, एन तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, ठीक है ना। देन
log is defined as, then log is defined as अब मैं अंग्रेजी बोलता जा रहा हूँ, तुम लिखते जाओ. देन लॉग इज डिफाइंड एज, वो ऊट पटांग सी अंग्रेजी है, उसको समझा दूंगा मैं, है ना. इज डिफाइंड एज एंड लॉग इज डिफाइंड, इसमें अलग लिखा, उसमें अलग लिखा यार, छोड़ो खुद ही लिखवा देता हूँ. हैंस लॉग इज डिफाइंड एज एज एन एक्सपोनेंट, एज एन एक्सपोनेंट, as an exponent of a base, as an exponent of a base a, a ye wala likhna, as an exponent of a base a to which the base must be raised, to which the base must be raised so that we get the number n, so that we get the number n. ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं. अच्छा, यदि n a raised to the power x के बराबर था तो लॉगरिदम ऑफ एनी नंबर n, लॉगरिदम ऑफ एनी नंबर n टू द बेस a, n है और बेस कितना था, a था, तो लॉग का बेस a होगा, वो किसके बराबर होगा, वो एक एक्सपोनेंट के बराबर होगा. कौन सी एक्सपोनेंट के बराबर होगा, जिस एक्सपोनेंट को अगर बेस की पावर में चढ़ा दिया जाए, टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड, मतलब बेस की पावर में अगर x चढ़ा दिया जाए तो आंसर किसके बराबर आ जाए, n के बराबर. मतलब इसको ऐसे सोचो कि अगर मुझे यहाँ से, ये इंटरकन्वर्टेबल्स हैं, ये दोनों इंटरकन्वर्टेबल, अगर मैं यहाँ से a हटा रहा हूँ, अगर मुझे लॉग से छुटकारा पाना है तो लॉग अगर हटाना है तो a को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा. इक्वालिटी के अगर a को दूसरी तरफ ले जाना होगा तो a किस में लिखा था, बेस में लिखा था, तो इक्वालिटी की दूसरी तरफ a कहाँ पे जाएगा, बेस में जाएगा, और x कहाँ पे जाएगा, बेस की पावर में जाएगा. ठीक है ना, x हमेशा क्या होता है, x हमेशा पावर होती है. मतलब लॉग किसी भी नंबर की बेस a पे एक पावर होती है, जिस पावर को बेस पर अगर चढ़ा दिया जाए तो आंसर किसके बराबर आएगा, n के बराबर. देन दे आर इंटरकन्वर्टेबल्स. नाउ द कंडीशन इज, क्या क्या कंडीशन लिखी थी, n कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, एंड साथ ही साथ में और क्या कंडीशन होनी चाहिए, a कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, और एक कंडीशन और होती है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 1. क्या होगा अगर ये 1 हो गया तो, अभी अगर ये 1 हो गया तो 1 की पावर x कुछ भी चढ़ाओ n थोड़ी आएगा, 1 ही आएगा. अरे n तो कोई भी नंबर हो सकता है, पर अगर बेस 1 हो गया तो 1 की पावर x कुछ भी करोगे आंसर तो हमेशा 1 ही रह जाएगा, तो इसलिए 1 भी हटा दिया गया. बेस को 1 रख के होगा क्या, आंसर हमेशा 1 ही आएगा, अलग नंबर नहीं मिलेगा. ठीक है ना, तो दीज थ्री आर नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशंस. क्या बोलते हैं इनको, नेसेसरी मतलब जो जरूरी है, एंड सफिशियंट मतलब तीनों लगानी पड़ेंगी. तीनों अपने आप में नेसेसरी हैं, पर तीनों एक साथ सफिशियंट कंडीशंस है ना, तीनों लगाओगे तब लॉग डिफाइन होगा, नहीं तो लॉग डिफाइन नहीं होगा. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग. तो मैं समझाने के लिए क्वेश्चन कर रहा हूं, फाइंड वैल्यू ऑफ लॉग 16 बेस 2, मान लो ऐसा है ना, आपसे बोला जाए लॉग 16, ध्यान रखना लॉग का नंबर और बेस के बिना कोई मतलब नहीं है. आज मैं ऐसे लिख दूं कि लॉग बेस 2 की वैल्यू बताओ तो जूते मारेगी दुनिया कि अबे क्या है ये, बेस 2 तो नंबर कहां गया है, बिना नंबर के और बिना बेस के लॉग का कोई मतलब नहीं. जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं बताओ साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अबे साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, थीटा कहाँ है, साइन तो एक सिंबल है पर साइन के साथ एंगल तो डालोगे, नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ, है ना, तो इसमें से कुछ गायब नहीं हो सकता. लॉग में से नंबर भी आना जरूरी है और बेस आना भी जरूरी है, नंबर और बेस होगा तभी लॉग आएगा, नहीं तो लॉग नहीं हो सकता, है ना. आते जाने लॉग कॉमन ले लेते हैं, क्या साइन कॉमन आ जाता है क्या, अरे ऐसे लिखा है मान लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कुछ भी लिखा है मतलब क्या मानूँ, नहीं साइन थीटा तो आ ही जाएगा ना फिर कॉमन, साइंस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा लिखूंगा तो साइन थीटा तो कॉमन आ ही जाएगा। मतलब यार मैं ऐसे समझाना चाह रहा था साइंस स्क्वायर, अरे मतलब साइन को थीटा से अलग नहीं कर सकता मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा ऐसे करते, अरे रुको, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ठीक है ना। ये कितना हो गया साइन 90 डिग्री, कितना होता है साइन 90 डिग्री? 1। आवाज़ नहीं आई? 1। पक्का सबको पता है? Yes, sir। कोई जबरदस्ती तो नहीं बोल रहा? No, sir। ये सब बोल रहे हैं तो हम भी बोल देते हैं? No, sir। पक्का है ना, साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1। कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0। ठीक, तो साइन 90 डिग्री 1 हो गया। अब किसी का मन किया कि सर साइन 30 पे भी चढ़ा दूं और साइन 60 पे भी चढ़ा दूं, अंदर ले जाऊं? अभी जैसे ऐसे नहीं होता ए इन टू बी प्लस सी, यस सर क्या होता है ए इन टू बी प्लस, मैंने लिखा ही नहीं उससे पहले, यस कैसे हो गया ए इन टू बी प्लस सी लिखा है, तो ये तो एलजेब्रा में लिखा हुआ है, एलजेब्रा के अंदर तो क्या मैं से ए बी प्लस ए सी लिख सकता हूँ? वही मैं साइन में कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या साइन 30 और 60 पे चढ़ा दूँ तो ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री की वैल्यूज आती हैं क्या? साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2, और साइन 60 डिग्री कितना होता है? 3/2। ये तुमने बोला 1 और ये बोला 1/2 प्लस 3/2, तो बराबर नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ बराबर। अरे कहाँ हो गया बराबर, 1/2 में 1/2 जोड़ोगे तो ना 1 आएगा, रूट 3/2 जोड़ने से 1 थोड़ी आ रहा है, तो ऐसे साइन कूद कूद के अंदर थोड़ी मल्टीप्लाई होता है। साइन को उसके एंगल से अलग नहीं कर सकते कि आपने उसके एंगल में अलग अलग जोड़ दिया मल्टीप्लाई कर दिया है ना, इट्स नॉट लाइक दैट। सेम इज विद लॉग, लॉग अपने बेस के साथ और नंबर के साथ धोखा नहीं दे सकता, नंबर भी आएगा और बेस भी आएगा तब लॉग डिफाइन होगा, नहीं तो लॉग डिफाइन नहीं होगा। समझ में आ रही बात क्या समझा रहा हूँ? ठीक, ये क्या होता है ये थोड़े टाइम बाद पता पड़ जाएगा, वैसे भौतिक विज्ञान वाले शायद फॉर्मूला सिखा चुके हैं साइन ए प्लस बी का, नए बच्चों को शायद पता नहीं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, वो फॉर्मूला चढ़ाओगे तो आंसर आएगा ठीक है, अभी के लिए भूल जाओ। शिफ्ट डिलीट है ना, लॉग बेस टू मेमोरी में से शिफ्ट डिलीट होता है ना, परमानेंटली डिलीट हो जाता है ना, डिलीट करते हो तो रिसाइकल बिन में जाता है और शिफ्ट डिलीट करते हो तो परमानेंटली डिलीट, तो उसको परमानेंटली डिलीट करना है, थोड़े टाइम बाद आएगा। हाँ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, लॉग 16 बेस 2 की वैल्यू निकालनी थी, तो हम मुझे नहीं पता जब तक मैं सॉल्व नहीं करूँगा तब तक मुझे आंसर नहीं आता है ना, मैं तुमके साथ हूँ जिनका आंसर नहीं आया, जिनका आंसर आ गया वो तो बढ़िया। लॉग 16 बेस 2 को मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब दिमाग में वही चल रहा है, लॉग हमेशा क्या होता है, एक एक्सपोनेंट होता है, ये बेस है, तो सर ने बोला था जब इसको इधर लेके जाएंगे बेस इधर, लॉग हटाना है तो बेस को उधर ले जाना है, तो जब बेस को उधर ले जाना है तो बेस तो 2 हो गया और x क्या होती है, पावर होती है, तो 2 की पावर x हो गई और नंबर कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। अब अगर x निकालना है तो 16 को किस बेस पे लिखना है, 2 बेस पे लिख सकता हूँ क्या, 2 बेस पर। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 बराबर 2 की पावर x, तो x कितना हो गया, 4, मतलब log 16 बेस 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4। समझ में आ गया, दिस इज द बेसिक स्टेप। अभी सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने, हो सकता है कईयों को प्रॉपर्टी आती हो सकता है कईयों को कुछ आता हो, मैं तो वही चेक करूंगा जो ऐसे करेगा, बाकी सब गलत है ठीक है। दिस इज द बेसिक स्टेप, हर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। जब लॉग की वैल्यू निकालनी है तो उसे क्या मानोगे, एक्स, दोनों तरफ बेस सेम करो, पावर्स कंपेयर करो, एक्स की वैल्यू निकालो ठीक है।